जी मैम, हमारे साथ भी बनाना। हाँ श्योर मैम। तू कैसे कर रहा है काम? पीछे से निकाल ले, पीछे हटा, पीछे आवाज दे। सेल्फी में घुस गया, एक बार तो खत्म हो गया खाने। ये मक्खी आज के वीडियो में आपको विद्या बालन की दिवाली सेलिब्रेशंस के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिवाली का बहुत ही खूबसूरत सा ओकेजन आ रहा है, जिसके लिए हर घर में तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं, हर घर में प्रिपरेशंस हो रही हैं, हर घर को डेकोरेट किया जा रहा है, डिफरेंट वेज से घर में डेकोरेशंस की जा रही हैं, बच्चों से लेकर बड़े तक हर कोई इसमें इन्वॉल्व है। दिवाली के आने से पहले घर में जो एक केओस होता है वो सबको बहुत पसंद आता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि घर में ये लग जाए, वो लग जाए, घर खूबसूरत हो जाए, लाइट्स लगा लें, घर को किस तरह से डेकोरेट किया जाए, हर कोई यही सोचता रहता है। ऐसे में विद्या बालन ने अपने घर की डेकोरेशन और अपनी दिवाली सेलिब्रेशन की पिक्चर शेयर की है। विद्या बालन हर ओकेजन को इसी तरह एंटिसिपेटेडली सेलिब्रेट करती है और वह हर ओकेजन पर अपने फैंस के साथ अपनी सेलिब्रेशन की पिक्चर शेयर करती हैं। विद्या बालन ने दिवाली के लिए भी पिक्चर शेयर की, जहां पर उन्होंने एक पिक्चर में अपनी रंगोली भी दिखाई कि कितनी खूबसूरत उन्होंने रंगोली बना रखी थी, और उन्होंने इंस्पिरेशन भी दी कि फैंस भी चाहें तो इस तरह की खूबसूरत रंगोली बना सकते हैं। विद्या बालन की ड्रेस की बात करें तो उन्होंने ट्रेडिशनल बनारसी साड़ी पहन रखी थी, ग्रीन और रेड कलर की, और वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये कलर कॉम्बिनेशन कभी भी गलत नहीं जाता और हमेशा हर किसी पर बहुत सूट करता है। विद्या बालन की लुक की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी, बहुत ही ज्यादा इथनिक और इथर लग रही थी, और उनकी इस लुक को फैंस बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। विद्या बालन ने सीरीज ऑफ पिक्चर शेयर किए हैं, जहाँ पर उन्होंने अपनी डेकोरेशंस भी दिखाई हैं, उन्होंने अपनी पूरी लुक भी दिखाई है, उन्होंने अपनी घर की और भी चीज़ें दिखाई हैं जो बहुत ही क्यूट लग रही हैं, और विद्या बालन की इस लुक को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आपको विद्या बालन की दिवाली सेलिब्रेशंस कैसी लगी और आप अपनी दिवाली को किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं, हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।